इसीलिए माननीय अब देश भी चल पड़ा है देश को, देश के भविष्य को बदलने के लिए। हमारी अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, देश के यशस्वी गृह मंत्री और इसी लखनऊ से प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, आवास और शहरी कार्य मंत्री श्रीमान हरदीप पुरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, राज्य के मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, श्रीमान गिरीश यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य, सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी प्यारे भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश से मैं सांसद हूं और इसलिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। देश के अलग अलग कोने से आप पधारे हैं, मुझे विश्वास है कि आपने इस ऐतिहासिक नगरी के उसके आतिथ्य का और लखनवी लहजे का भी आनंद लिया होगा। साथियों, आप सभी इसी बदलाव को अंगीकार करने वाले, जमीन पर चीजों को उतारने वाली टोली है। मेयर हो, कमिश्नर हो या फिर सीईओ हो, आप देश के उन शहरों के प्रतिनिधि हैं जो नई सदी, नए भारत और नई जनरेशन की आशा और आकांक्षाओं के भी प्रतीक हैं। बीते 3 वर्षों से आप करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने में कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ जुटे हैं। कुछ देर पहले मुझे यहां जो प्रदर्शनी लगी उसे देखने का अवसर मिला। वहां देश भर में चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी गई। स्मार्ट सिटी मिशन में बेहतरीन काम करने वाले कुछ शहरों को पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ भाई बहनों और बेटियों को उनके अपने मकान की चाबियां भी सौंपी गई और चाबियां मिलने पर जो चमक उनके चेहरे पर थी, उज्जवल भविष्य का जो आत्मविश्वास उनके आंखों से झलक रहा था, वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसे अनेक लाभार्थियों से यहां मंच पर आने से पहले मुझे बातचीत करने का मौका मिला। देश के गरीब बेघर भाई बहनों के जीवन को बदलने क्या ये अवसर और बदलते हुए देखना, ये सचमुच मैंने जीवन को एक बहुत बड़ा संतोष देने वाला अनुभव है। जिन शहरों को पुरस्कार मिले हैं उन शहरों के हर नागरिक को और जिनको अपना घर मिला है उन सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप लोगों ने मार्क किया होगा, जब मैं अवार्ड दे रहा था सब लोग आ रहे थे, मार्क नहीं किया होगा। सिर्फ 2 ही पुरुष मेयर हैं, बाकी सारी महिला मेयर हैं।
हमारी बहनों ने जिस जीवट के साथ इस काम किया है, जरा सभागृह में और तालियां उनकी बहनों के लिए बन जाए। साथियों, शहर के गरीब बेघर को पक्का घर देने का अभियान हो, 100 स्मार्ट सिटी का काम हो, या फिर 500 अमृत सिटी हो, करोड़ों देशवासियों के जीवन को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने का हमारा संकल्प आज 3 साल बाद और अधिक मजबूत हुआ है। आज भी यहां उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट बनाने वाली अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और मुझे बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश भर में लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है और 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं पर काम तेज गति से चल रहा है। इस मिशन का लक्ष्य है शहर में रहने वाले गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को आसान बनाना, उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाएं देना। स्मार्ट सिटी में इन सुविधाओं को देने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स, ये उनकी आत्मा की तरह है, यहीं से पूरे शहर की व्यवस्थाओं का संचालन होना है, शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जानी है। साथियों, मिशन के तहत चयनित 100 शहरों में से 11 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है और अगले कुछ महीनों में ही 50 और शहरों में ये काम पूरा करने का प्रयास चल रहा है। ये प्रयास परिणाम भी देने लगे हैं और मुझे बताया गया है कि गुजरात में राजकोट शहर में इस टेक्नोलॉजी की व्यवस्था से जो कुछ परिस्थिति बदली है, पिछले 2 क्वार्टर में क्राइम रेट में काफी बड़ी मात्रा में कमी आई है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की वजह से गंदगी फैलाने और सार्वजनिक जगह पर कूड़ा जलाने जैसी कई प्रवृत्तियों में भी इसके कारण कमी आई है। भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में इसके कारण वृद्धि दिखाई गई है। अहमदाबाद में बीआरटीएस कॉरिडोर, उसमें फ्री वाईफाई से बसों में आने जाने वालों की संख्या अपने आप बढ़ने लगी है। विशाखापट्टनम में सीसीटीवी और जीपीएस से बसों को ऑनलाइन ट्रैक किया जा रहा है। पुणे में लगभग 125 जगहों पर इमरजेंसी कॉल बेल्स लगाए गए हैं, जहां एक बटन दबाने भर से ही नदी की पुलिस स्टेशन को सूचना मिल जाती है। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं आज काम करना शुरू कर चुकी है। बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद और ये हमारा लखनऊ, इसमें भी ऐसी सुविधाएं आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भाई और बहनों, ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ अर्बन इंडिया का हमारा मिशन और लखनऊ का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। लखनऊ शहर देश के शहरी जीवन को नई दिशा देने वाले महापुरुष श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही। हमारे प्रेरणा स्रोत और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये लंबे समय तक
संसदीय क्षेत्र रहा है। आजकल अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना पूरा देश कर रहा है, लेकिन अटल जी ने जो बीड़ा उठाया था उसको एक अलग बुलंदी देने के लिए की तरफ हमारी सरकार करोड़ों हिंदुस्तानी तेज गति से उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अटल जी ने एक प्रकार से लखनऊ को देश के शहरी जीवन के सुधार की प्रयोगशाला बनाया था। आज आप यहां लखनऊ में जो फ्लाईओवर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, ये जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के इर्द गिर्द लगभग 1000 गांवों को लखनऊ से जोड़ने वाली जो सड़कें देख रहे हैं, ऐसे तमाम काम लखनऊ में उनके एमपी के रूप में उनका जो विजन था उसका परिणाम है। आज देश के 12 शहरों में मेट्रो या तो चल रही है या फिर जल्द शुरू होने वाली है। यहां लखनऊ में भी मेट्रो के विस्तार का काम चल रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली इस व्यवस्था को सबसे पहले दिल्ली में जमीन पर उतारने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। दिल्ली मेट्रो की सफलता आज पूरे देश में दोहराई जा रही है। साथियों, अटल जी कहा करते थे कि बिना पुराने को संवारे नया भी नहीं संवरेगा। ये बात उन्होंने पुराने और नए लखनऊ के संदर्भ में कही थी। यही आज के हमारे अमृत, और उसका नाम भी अटल जी से जुड़ा हुआ है, ये अमृत जो हम कह रहे हैं, अमृत योजना, उसका पूरा शब्द है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए ये हमारी प्रेरणा है। इसी सोच के साथ अनेक शहरों में दशकों पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। इन शहरों में सीवेज की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट में सुधार, झील, तालाब और पार्कों के सुंदरीकरण की व्यवस्था, इसको बल दिया जा रहा है। साथियों, शहर की झुग्गियों में खुले में जीवन बसर करने वाले गरीब बेघर भाई बहनों को उनका अपना घर देने की योजना आज चल रही है। इसी की शुरुआत भी अटल जी ने ही की थी। साल 2001 में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना देशभर में अटल जी ने प्रारंभ की थी। यही लखनऊ में ही इस योजना के तहत करीब 10,000 गरीब भाई बहनों को अपना मकान मिला था। आज जो योजनाएं चला रही हैं, उसके मूल में भावना वही है, लेकिन हमने स्पीड, स्केल और क्वालिटी ऑफ लिविंग को हम एक अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार 2022 तक हर सिर पर छत देने का प्रयास कर रही है। जब आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान में कोई परिवार ऐसा ना हो जिसका अपना घर न हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीते 3 वर्षों में शहरी इलाकों में 54 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांवों में भी 1 करोड़ से अधिक मकान जनता को सौंपे जा चुके हैं। आज जो मकान बन रहे हैं उनमें शौचालय भी है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी है, उजाला के तहत एलईडी बल्ब भी लगा है, यानी एक पूरा पैकेज उनको मिल रहा है। इन घरों के लिए सरकार ब्याज में राहत तो दे ही रही है, पहले के मुकाबले अब घरों का एरिया भी बढ़ा दिया गया है।
साथियों, ये जो मकान दिए जा रहे हैं ये सिर्फ गरीब बेघर के सिर पर छत ही नहीं है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ये जीता जागता सबूत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी मकान दिए जा रहे हैं माताओं और बहनों के नाम पर दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 87 लाख मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर या फिर साझेदारी में की जा चुकी है, वरना हमारी समाज व्यवस्था कैसे रही। किसी भी परिवार में जाइए, जमीन किसके नाम पर, पति के नाम पर, पिता के नाम पर, बेटे के नाम पर, घर किसके नाम पर, पति के नाम पर, बेटे के नाम पर, स्कूटर लाया किसके नाम पर, बेटे के नाम पर, उस महिला के नाम पर कुछ नहीं। स्थिति को हमने बदला है और पहले वो हमारे यहाँ तो कहाँ भी जाता था, अब गली से गुजरने वाले से ये नहीं पूछेंगे कि फला मकान का मालिक कौन है, बल्कि ये पूछेंगे कि इस मकान की मालकिन कौन है। ये बदलाव समाज की सोच में आने वाला है। मैं योगी जी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि वो गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली इस योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, वरना मुझे इससे पहले की सरकार का भी अनुभव है। 2014 के बाद योगी जी आने तक वो दिन कैसे गए हैं मैं भली भांति जानता हूं, और मैं जनता को बार बार याद दिलाता गरीबों के घर के लिए कैसे हमें केंद्र से बार बार चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, जब भी मिलना हो तो बात करनी पड़ती, अरे भाई कुछ करो, हम पैसे देने को तैयार है, उनको आग्रह करना पड़ता था। लेकिन वो सरकारें ही ऐसे थे, वो लोग भी ऐसे ही थे, वो अपनी कार्य परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। उन्हें तो 1 पॉइंट प्रोग्राम था, अपने बंगले को सजाना सवारना। अब उसमें फुर्सत मिले तो भी गरीब का घर बनेगा ना। आज एक और बात कहना चाहता, और उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया तो कुछ बात मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों से तो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपका हक बनता है। आपने सुना होगा इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया गया है, और इल्जाम यह है कि मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं भागीदार हूं। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों और मेरे देशवासियों, मैं इस इल्जाम को इनाम मानता हूं, और मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं। मैं देश के गरीबों के दुख का भागीदार हूं, मैं मेहनत कश मजदूरों का भागीदार हूं, मैं हर दुखियारी मां की तकलीफों का भागीदार हूं, मैं भागीदार हूं उस मां की पीड़ा को जो इधर उधर से लकड़ी और गोबर बीनकर चूल्हे के धुएं में अपनी आंख को और सेहत को खराब करती है। मैं उस हर मां का चूल्हा बदल देना चाहता हूं। मैं भागीदार हूं उस किसान के दर्द का जिसकी फसल सूखे में या पाले में बर्बाद हो जाती है और वो हताश हो जाता है। मैं उस किसान की आर्थिक सुरक्षा करने का भागीदार हूं। मैं भागीदार हूं अपने उन बहादुर जवानों के उस जुनून का जो सियाचिन और कारगिल की हड्डी गला देने वाली ठंड से लेकर के जैसलमेर और कच्छ की चमड़ी झुलसाने वाली तपते रेगिस्तान में हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ नौछावर करने को तैयार रहते हैं। मैं भागीदार हूं उस गरीब परिवार की पीड़ा का जो अपने घर में बीमार पड़े व्यक्ति का इलाज कराने में अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाए। मैं उस परिवार के लिए सोचता हूं और उसकी सेवा के लिए काम करता हूं। मैं भागीदार हूं उस कोशिश का
जो इसलिए है कि गरीबों के सिर पर छत हो, उन्हें घर मिले, उस घर में उन्हें शौचालय मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, बिजली मिले, उन्हें बीमार होने पर सस्ती दवाइयां और इलाज मिले, बच्चों को शिक्षा मिले। मैं भागीदार हूं हर उस कोशिश का जिससे हमारे युवाओं को हुनर मिले, नौकरियां मिले, अपना रोजगार करने में मदद मिले। हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले साधारण नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिले, ये मैं देख रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं, जैसा कि मुझे गर्व है कि मैं गरीब मां का बेटा हूं। गरीबी ने मुझे ईमानदारी और हिम्मत दी है, गरीबी की मार ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है, मैंने गरीबी की मार को झेला है, गरीब का दुख दर्द मैंने करीब से देखा है। हमारे यहां कहा जाता है, जिसके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पर पिराई। जिसने भोगा है वही तकलीफ जानता है, और तकलीफ का जमीन से जुड़ा समाधान जानता है। इससे पहले मुझ पर यह भी इल्जाम लगाया गया था कि मैं चाय वाला हूं, मैं भारत देश का प्रधान सेवक कैसे हो सकता हूं। लेकिन यह निर्णय वो लोग नहीं ले सकते हैं, यह निर्णय देश के 125 करोड़ की जनता लेती। साथियों, भागीदारी को अपमानित करने वाले यही सोच आज के हमारे शहरों की समस्याओं की जड़ में भी उसी सोच के नतीजे हैं, उसी की बू आ रही है। स्मार्ट सिटीज के लिए हमारे पास प्रेरणाएं भी थी और पुरुषार्थ करने वाले लोग भी हैं। आज खुदाई में मिलने वाले पुराने शहर उदाहरण है कि किस प्रकार हमारे पूर्वज शहरों की रचना करते थे, किस प्रकार थे उस जमाने में, सदियों पहले एक प्रकार के उस युग के स्मार्ट सिटी के पैरोकार भी रहे हैं और शिल्पकार भी रहे हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और संपूर्णता की सोच के अभाव के ने एक बड़ा नुकसान किया। आजादी के बाद जब नए सिरे से राष्ट्र निर्माण का दायित्व हमारे कंधे पर था, जब जनसंख्या का उतना दबाव भी नहीं था, तब हमारे शहरों का भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से बसाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। आज जितनी दिक्कतें वो समय नहीं थी, अगर उसी समय प्लान वे में काम किया होता तो आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है वो नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन बेतरतीब तरीके से शहरों को जो जहां जिस जो फैलना था फैल ले दिया। जाओ देखो, मेरा घर भरो, तुम अपना गाड़ी चलाओ, एक प्रकार से कंक्रीट का एक जंगल विकसित होने दिया गया। इसका परिणाम आज हिंदुस्तान का हर शहर भुगत रहा। साथियों, एक पूरी पीढ़ी इन अव्यवस्थाओं से जूझते हुए निकल गई, और कहीं कहीं तो दो दो तीन तीन पीढ़ियां निकल गई, और दूसरी इसके कटु अनुभवों का बोझ लेकर के चल रही है। जानकार लोगों की उम्मीद है, और वो जता रहे हैं कि आज लगभग 7.5% की रफ्तार से विकसित होता भारत आने वाले वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में देश का वो हिस्सा जिसकी जीडीपी में 65% से अधिक की हिस्सेदारी है, जो एक प्रकार से ग्रोथ के इंजन है, वो अगर अव्यवस्थित रहें तो हमारी कैसी रुकावटें खड़ी होगी, यह हम अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना अनिवार्य है। लटकते तार, गंदा पानी, उगलते सीवर,
घंटों तक लगते ट्रैफिक जाम, ऐसी तमाम अव्यवस्थाएं 21वीं सदी के भारत को परिभाषित नहीं कर सकती। इसी सोच के साथ 3 वर्ष पहले इस मिशन की नींव रखी गई थी। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया और तय किया गया कि 2,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश से इन्हें विकसित किया गया है, विकसित किया जाएगा। विकास भी ऐसा कि जहां शरीर नया हो लेकिन आत्मा वही हो, संस्कृति जहां की पहचान होगी, स्मार्टनेस ये उसकी जिंदगी होगी, ऐसे जीवन शहर विकसित करने की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार के लिए ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक मिशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्म, मिशन टू ट्रांसफॉर्म द नेशन। ये मिशन हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का है। 21वीं सदी के भारत में विश्व स्तरीय इंटेलिजेंट अर्बन सेंटर्स खड़ा करने का है। ये देश के उस युवा की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ बेटर नहीं बल्कि बेस्ट चाहते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि इसी जनरेशन के लिए भविष्य की व्यवस्थाओं का निर्माण हो। यहां जीवन 5E पर आधारित हो, और 5E यानी ईज ऑफ लिविंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एंटरटेनमेंट। आज जब भी मैं आप जैसे लोगों से, शहर के मेयर से, म्यूनिसिपल कमिश्नर या CEO से बातचीत करता हूं तो एक नई आशा सामने आती है। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रक्रिया का ढांचा जन सहभाग, जन आकांक्षा और जन दायित्व, इन तीनों पर आधारित है। अपने शहर में किस तरह की योजनाएं शुरू हो ये शहर के लोगों ने खुद तय किया है। उनके ही विचार शहरों के स्मार्ट सिटी विजन के आधार बने हैं और इन पर आज तेज गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ना सिर्फ यहां नई व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है बल्कि फंडिंग की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। पुणे, हैदराबाद और इंदौर ने म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 550 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब लखनऊ और गाजियाबाद भी बहुत जल्द इस प्रक्रिया को शुरू होने जा रही है। ये म्युनिसिपल बॉन्ड्स सरकारों पर आर्थिक निर्भरता को भी कम करने का काम करेंगे। मेरा बाकी शहरों से भी आग्रह है वो इस प्रकार के इनिशिएटिव के लिए आगे आए। साथियों, शहरों का स्मार्ट होना, सिस्टम का टेक्नोलॉजी से जुड़ना, ये ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज आप अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं, जिसके कारण अब सामान्य जन को कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। ये कतारें भी तो करप्शन की जड़ थी। आज आपको कोई बिल भरना हो, किसी सुविधा के लिए अप्लाई करना हो, कोई सर्टिफिकेट चाहिए या फिर छात्रवृत्ति, पेंशन, प्रोविडेंट फंड जैसी अनेक सुविधाएं आज ऑनलाइन है। यानी आज गवर्नेंस भी स्मार्ट हो रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हुई है और इसकी वजह से करप्शन में बहुत बड़ी कमी आ रही है। साथियों, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं देश के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। ये जो भी सिस्टम बनाया जा रहा है ये सबके लिए है। इसमें ऊंच नीच, पंथ संप्रदाय, छोटे बड़े,
ऐसी कोई सीमाएं नहीं है, न वो आधार है, सिर्फ और सिर्फ विकास, यही एक मंत्र है। कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जन भागीदारी, राज्यों की भागीदारी, स्थानीय निकायों की भागीदारी से ये सब कुछ संभव हो सकता है। सबका साथ सबका विकास और टीम इंडिया की यही भावना न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने वाली है। और मैं आज योगी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक अच्छी खबर सुनाई। देखिए, कुछ बातें ऐसे हैं जो देश में, अगर हम हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा करें, वो कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं। और दुर्भाग्य है कि पहले नेताओं को वोट लेते समय नागरिक याद आते थे। अगर हम सचमुच में नागरिकों की शक्ति और सद्भावनाओं को देखें और उसको टटोले तो कैसा परिणाम मिलता है। योगी जी मुझे बता रहे थे, आपको मालूम है मैंने एक बार 15 अगस्त पर लाल किले से कहा था कि अगर आप कमाते धमाते हैं, एक गैस की सब्सिडी में क्या रखा है, क्यों लेते हो गैस की सब्सिडी? इस देश में सब्सिडी राजनीति से ऐसी जुड़ गई है, कोई ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करता। हमने की, और देश को गर्व होना चाहिए, करीब करीब 1.25 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। अब वो तो बाद में लाल किले से बोला था, लेकिन देश का मिजाज देखिए। रेलवे वालों ने अपना जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है उसमें एक कॉलम बनाई है, अभी नई नई कॉलम बनाई, अभी कुछ महीने पहले बनाई है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया है, ऐसे ही लिख दिया है। और उसमें हमें मालूम है कि रेलवे में जो सीनियर सिटीजन यात्रा करते हैं उनको कंसेशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है। ये क्या कमाते धमाते कुछ नहीं, अगर आपकी उम्र इतनी हो गई आपको ये लाभ मिलेगा। तो उन्होंने लिखा कि अगर आपको, आप कमाते धमाते हैं और अगर आप ये जो सब्सिडी है छोड़ना चाहते हैं तो इस कॉलम में टिक मार करिए। मैं जानकर के मुझे खुशी हुई, इतने कम समय में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, किसी नेता का बयान नहीं, कुछ नहीं, इस देश के 40 लाख से ज्यादा लोगों ने रेलवे यात्रा की अपनी सब्सिडी छोड़ दी। ये छोटी बात नहीं है। आज मुझे योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गांवों में जो लोगों को आवास मिले थे पुराने, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति बदली, कुछ लोग वहां से कुछ शहर में चले गए, बेटे रोजी रोटी कमाने गए तो वहां सेटल हो गए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्वेस्ट की लोगों को कि अगर आपकी स्थिति में बदलाव आया है और आपके पास पहले सरकार का दिया हुआ मकान है, अगर आप वो मकान सरकार को वापस दे तो हम किसी गरीब को वो अलॉट करना चाहते हैं। मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि मेरे उत्तर प्रदेश के गांवों के 46,000 लोगों ने अपने घर वापस दे दिए। ये छोटी बात नहीं है जी। हमारे देश में ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि जैसे सब लोग चोर हैं, सब ऐसा करोगे ये करो, कोई जरूरत नहीं। हम देश की नागरिकों पर भरोसा करें, देश चलाने के लिए हमसे भी ज्यादा ताकत मेरे देशवासियों में है, ये हम पे विश्वास होना चाहिए। देश को बदलने के लिए किस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं, एक ईमानदारी का माहौल बना है। पहले की तुलना में ज्यादा लोग अब टैक्स देने के लिए आ रहे हैं। नगर के अंदर सुविधाएं अगर दिखती हैं तो लोग टैक्स देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब उसको भरोसा हुआ है कि पाई पाई सही जगह पे खर्च होगी, खुद के बंगलों पे खर्च नहीं होगी तो देश का सामान्य मानवी पैसे देने के लिए तैयार होता है। और इसलिए सब फिर से एक बार आप सभी को इस मिशन के लिए जो काम आप लोगों ने किया है और जो सारे देश के नगर निगम से सभी महानुभाव आए हैं उनको भी, मुझे विश्वास है कि अगली बार और भी शहर आगे आएंगे, जो आगे निकल चुके हैं निकल चुके हैं, लेकिन नए लोग आएंगे, नए शहरों में क्षमता पड़ी है, लीडरशिप दीजिए, वहां के कमिश्नर हो, वहां के मेयर हो,
वहां के सीईओ हो, जरा जी जान से एक टारगेट करके तय कीजिए, आपको भी सम्मानित करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। अब मुझे आपको सम्मानित करने का मौका दीजिए। मैं हिंदुस्तान के सभी शहरों को निमंत्रित करता हूं, मैं सामने से आपका सम्मान करना चाहता हूं, मुझे आपका सम्मान करने का अवसर दीजिए। इतना उत्तम काम करके आइए, फिर एक बार सफल होने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलता के लिए प्रयत्न करने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका।